भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी को रावण के रूप में पेश किए जाने का विरोध आज रांची में देखने को मिला। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में कांग्रेस ने राजभवन तक मार्च निकाला। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से राजभवन तक होने वाले मार्च को प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर जाकिर हुसैन पार्क के पास रोक दिया। इसके बाद वहीं पर खड़े होकर तमाम कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। आज ये झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा ये निषेध यात्रा कांग्रेस कार्यालय से, कांग्रेस भवन से और राजभवन तक के जो रखी गई थी, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावना आज पूरे देश में आहत हुई है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया ने राहुल गांधी जी की तस्वीर को लेकर उनका अपमान करने की जो कोशिश की है, ये उसका विरोध है। ये एक संदेश है भारतीय जनता पार्टी को कि राहुल जी ने पूरे देश में जो एक सद्भावना का काम और पूरे 4000 से भी ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा कर और कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो तपस्या और त्याग के द्वारा लोगों को जोड़ने का और भारत के सभी जाति समुदाय उनकी भावनाओं के साथ में सम्मान बताते हुए, उनके दुख की घड़ी में उन्हें गले लगाते हुए इस यात्रा को 150 दिन में पूरा किया, ये एक ही संदेश है कि देश से नफरत की राजनीति को हटाकर प्रेम और मोहब्बत की राजनीति को अपनाना, और आज देश की जनता ने उसे पसंद किया है। राहुल जी के प्रति लोगों के मन में एक सद्भावना, एक आदर सम्मान पैदा हुआ है। उनका अपमान करने का जो कृत्य है उसका हम निषेध करते हैं, और साथ ही साथ ये संकल्प लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी कोशिश कर ले देश में नफरत फैलाने का, देश के अंदर संबंधों में विष फैलाने का, भाईचारे को कमजोर करने का, लेकिन कांग्रेस पार्टी संकल्पित है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता संकल्पित है राहुल गांधी जी के और कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाकर इस समाज के दीन दुखी आदिवासी गरीब खेतिहार किसान महिला हमारे बेरोजगार युवक छोटे उद्योजक हर एक के साथ कांग्रेस खड़ी है, और आने वाले दिनों में अगर हमें इसके लिए संघर्ष भी करना पड़ा तो हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी की घबराहट उसी दिन से शुरू हो गई थी जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और 4081 किलोमीटर की जो यात्रा समाप्त हुई उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विचलित हो गई है। 5 राज्यों में हार के जो आई है 8, उसे घबराहट में इस तरह के कृत्य कर रहे हैं वो लोग। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस तरह का प्रोटेस्ट लगातार करते रहेंगे कि इसको राम बनाना है, किसको रावण बनाना है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं देश की जनता तय करेगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।